हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेरोमन हिस्ट्री। आज हम आपको शैलेंद्र सिंह की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। वह एक भारतीय पार्श्व गायक और अभिनेता है और लोग पहले से ही उन्हें जानने में रुचि रखते हैं, लेकिन अब अचानक पूरी दुनिया शैलेंद्र सिंह के सफल जीवन की ओर देख रही है। पूरा सोशल नेटवर्क इससे जुड़ी चीज़ों से भरा पड़ा है। कुछ लोग उनके निजी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। इस पुष्टि पर हम उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर चर्चा करेंगे, जिसमें उनकी जीवनी, करियर, परिवार, बहन, पिता, माता, जीवन शैली, प्रेमिका और बहुत कुछ शामिल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1952 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। 2022 में उनकी उम्र 69 साल है। वह एक भारतीय पार्श्व गायक और अभिनेता है, इसलिए उनके तमाम चाहने वाले शैलेंद्र सिंह की निजी जानकारी गूगल पर सर्च करते हैं। यदि आप शैलेंद्र सिंह की जीवनी की तलाश कर रहे हैं और उनके विवरण, नौकरी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं और पूरी जानकारी आपके लिए आवश्यक है। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत लोकप्रियता और प्रसिद्धि प्राप्त की है। हर साल वह अपना जन्मदिन मनाते हैं। शैलेंद्र सिंह का उपनाम शैलेंद्र है। उनकी आकर्षक आंखें और एक ऊर्जावान व्यक्ति महत्व था। उसके शरीर का सटीक आकार अज्ञात है। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वह एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक और अभिनेता है। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक उनकी वैवाहिक स्थिति शादीशुदा है। उनकी पत्नी का नाम अज्ञात है, उनके पिता का नाम अज्ञात है और उनकी माता का नाम अज्ञात है। उनके भाई बहन भी है और उनका नाम भी अज्ञात है। 1970 के दशक के अंत में और 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने बहुत सारे हिंदी और कुछ मराठी गाने गाए। महमूद अली उनके अच्छे मित्र थे। जब राज कपूर ने बॉबी के लिए शैलेंद्र को साइन किया तो उन्होंने उन्हें ब्रेक दे दिया। मैं शायर तो नहीं, तुरंत हिट हो गया। फिल्म खेल खेल में का गाना हमने तुमको देखा पूरे भारत में हिट हुआ था। गायन के अलावा उन्होंने अब अजसारा धनबाद में सह अभिनय किया। वह दो जासूस अजसारा धन्यवाद, गिनी और जॉनी, जनता हवलदार में भी दिखाई दिए। उनकी नेटवर्थ INR 20 करोड़ लगभग है। शैलेंद्र सिंह का जन्म मुंबई, भारत में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उन्होंने पैडल रोड पर हिल ग्रेस हाई स्कूल में अध्ययन किया और सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से स्नातक किया। उसके बाद उन्होंने एक अभिनेता के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में प्रवेश लिया। शैलेंद्र सिंह के खाते में कई हिट गाने थे। राज कपूर ने सिंह को एक ब्रेक दिया जब उन्होंने बॉबी के लिए साइन किया मैं शायर तो नहीं, गाना बहुत हिट हुआ, जिसके बाद ऑफर आने शुरू हो गए। फिल्म खेल खेल में का गाना हमने तुमको देखा ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हालांकि उनकी लोकप्रियता अल्पकालीन थी। आशा भोसले के साथ सागर से जाने दो ना कि उनकी प्रस्तुति ने पूरे गीत की कामुकता में इजाफा किया और बॉलीवुड में शीर्ष कामुक नंबरों में शुमार किया। उन्होंने समझौता रेखा के साथ और
दो जासूस जैसी फिल्मों में अभिनय करने की कोशिश की, लेकिन वे फिल्में फ्लॉप रहीं। उन्होंने एक बंगाली फिल्म अजो सरो धन्यवाद में अभिनय किया, जहां मोहम्मद रफ़ी ने अपना एकमात्र बंगाली फिल्म गीत नवल किशोरो श्यामो सुंदरो गाया। कौशिक मैत्रा की टिप्पणी थी कि रफ़ी साहब का यह इकलौता बंगाली फिल्मी गाना नहीं था, फिल्म हारानो सुर में भी उनका एक गाना था, नचिकेता घोष द्वारा रचित। तो सुब्रत सेन गुप्ता ने सुधार करते हुए कहा, वास्तव में जिस बंगाली फिल्म में मोहम्मद रफ़ी ने गाया था वह इंद्राणी है, हरानो सुर नहीं। गीत सब कुछ लुटा के है और संगीत निर्देशक नचिकेता घोष थे। शैलेंद्र सिंह ने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और अभिन कुमार के साथ युगल गीत गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी के साथ ए यार सुन यारी तेरी, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर के साथ अमर अकबर एंथनी, मोहम्मद रफ़ी के साथ क्यों भी चाहत का, अमित कुमार के साथ जाते हो ओ जाने जाना, मोहम्मद रफ़ी के साथ तेरी रब ने बना दी जोड़ी और भी बहुत कुछ। 2015 में शैलेंद्र सिंह ने कहा कि सबसे प्रशंसनीय गायक मोहम्मद रफ़ी है और वह उनके प्रेरित है। स्वर्गीय मन्ना डे साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब के सबसे महान बहुमुखी गायक होने पर भी टिप्पणी की थी, जिसे भारत ने निर्मित किया था। कवाली फिल्म जमाने को दिखाना है पर हो असमान तुम आर डी बर्मन द्वारा रचित है और फिल्म की रिलीज के दौरान एक लोकप्रिय संख्या थी। उनका करियर 90 के दशक के बाद फीका पड़ गया और फिर भी उन्होंने वापसी नहीं की। अच्छी गुणवत्ता वाले गीतों के साथ एक बहुमुखी गायक जिसे लाखों प्रशंसकों ने याद किया। अब जानते हैं उनके पुरस्कार। 1974 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित मैं शायर तो नहीं बॉबी। अब जानते हैं चयनित फिल्मोग्राफी। एल्बम बॉबी 1973 में, छवि खो जाए मैं शायर तो नहीं, मुझे कुछ कहना है ना मंगू सोना ना चांदी, झूठ बोले कौवा काटे मुझे कुछ कहना है। एल्बम दो जासूस पुरवैया लेके चली मेरी नैया, लता मंगेशकर के साथ युगल गीत। एल्बम बान्या बापू मराठी 1977 में, हे गार्ड नील मेघ अनुराधा पौडवाल के साथ युगल गीत और प्रीति से झुलझुल पानी उषा मंगेशकर के साथ युगल गीत। एल्बम आपकी खातिर 1977 में, शोला रे भोला रे। एल्बम आर पार 1986, मेरा नाम पन्ना बाई। एल्बम अब क्या होगा 1976, आ देवता। एल्बम खट्टा मीठा 1978, एल्बम आदत से मजबूर 1982, अंदर की बात है राम करे के उमर कैद। एल्बम एग्रीमेंट 1980, आपने प्यार दिया प्यार से मार दिया, जीना ये कोई जीना तो नहीं। एल्बम अमर अकबर एंथनी 1977, शीर्षक गीत। एल्बम अमीरी गरीबी 1989, ओ मेरी सासू ओ मेरी सैल। एल्बम अम्मा 1984, तुम्हें कसम है। एल्बम अखियों के झरोखों से 1978, एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगी कोई दिन से मुझे। एल्बम अशांति
1982, मैं हूँ शराबी, ना तुझसे ना मुझसे, एल्बम बुरा और बदनाम। 1984, इस जिंदगी का तालाब है, एल्बम बेरहम। 1980, ये साल की आखिरी रात है, एल्बम बेगुनाह कैदी। 1982, ताथैया यार सजना, एल्बम बेकरार। 1983, बेकरार किया, एल्बम भाई आखिरी भाई होता है। 1982, आ भी जा मेरी जान, एल्बम भेदभाव। 1982, वो लड़की हंसी तो, एल्बम सागर। 1985, जाने दो ना, एल्बम गुरुदेव। 1994, ऋषि कपूर श्रीदेवी पर जयपुर के निकाली गाड़ी, एल्बम भोले शंकर। 2008, जय हो छठ मैया, एल्बम ए यार सुन यारी तेरी सुहाग, एल्बम गूंजे लगे है कहने तराना। अगर आपको फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।